बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मीठे में कोई स्पेशल चटपट सी रेसिपी एक आसान सी बना रही हूँ। तो मीठा खाने का दिल हो रहा था तो इसलिए मैंने कहा कि वो घर में जो आटा होता है तो उसका मैं ये हलवा बनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने ऑयल डाल दिया थोड़ा सा, और ये जो घर में लाल आटा होता है, एक तो वाइट आटा होता है और एक लाल आटा होता है, तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दो चम्मच ये लाल आटा डालूंगी। इसको मैं हल्की आंच पे लाइट ब्राउन करूंगी। ये देखिए, इसको मैं हल्की सी आंच पे भून लूंगी। पहले भी मैंने एक बार बनाया था, वो वाइट आटे का था, लेकिन जो रेड आटे का होता है इसमें बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हलवा बनता है। ये सिर्फ हम दो चम्मच में, ये बड़े वाले मैंने दो चम्मच लिए, और हल्की आंच पे मैं इसे लाइट ब्राउन करूँगी। झटपट से तैयार हो जाता है। अगर आपका अचानक से कोई मीठी चीज़ खाने को दिल चाहे तो आप झटपट से ये वाला हलवा तैयार कर सकते हैं। कोई चीज़ बाहर से लानी नहीं पड़ेगी। और मैं ये स्पेशली, वो मैंने चीनी वाला बनाया था तो ये मैं गुड़ वाला बना रही हूँ। देखिए इसके बबल से बनने शुरू हो गए हैं, तो अब ये ब्राउन होना शुरू हो रहा है, आटे की खुशबू आनी शुरू हो गई है, मज़ेदार सी। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने इसमें आटा डालूंगी और ऑयल डाला और गुड़ और थोड़ी सी किशमिश। बाकी आप अगर इसमें ज़्यादा मेवे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें झटपट से यही चीज़ें मेरे पास थी तो मैं यही डालूंगी, और थोड़ी सी कोकोनट क्रश करके डाल दूँगी ऊपर। कट करके ये नहीं डालूंगी कि बच्चे निकाल के फिर रख देते हैं, अगर कट की हो तो क्रश की हुई अंदर ही मिक्स हो जाती है और टेस्ट आ जाता है। ये देखें तकरीबन हमारा आटा ब्राउन हो चुका है। अभी मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है क्योंकि ये घी काफ़ी गर्म होगा और इसमें ये थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगी। ये देखें, ये आप कलर देख सकते हैं, ब्राउन हो चुका है और बहुत प्यारी सी खुशबू भी इसमें से आ रही है। देखिए अब थोड़ा सा ठंडा होगा तब तक, ये देखें मैंने ये एक गुड़ का पीस मैंने इसमें ये देखिए भिगो दिया था थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1.5 पाव पानी में। ये देखिए ये हल हो चुका है गुड़, क्योंकि वैसे ये गुड़ हल नहीं होता। अगर आपसे ये ना हल हो तो आप इसे पानी में रख के गर्म करके बॉयल करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने तकरीबन 10-15 मिनट भिगोया था तो ये हल हो चुका है। तो अब मैं इसे अपने हलवे में आस्ता आस्ता से डालूंगी। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आस्ता आस्ता से मैंने फ्लेम बंद कर दी थी इसलिए इसकी गुलटियाँ ना बने। तो ये मैंने जो भिगोया था गुड़ वो सारा मैंने इसमें डाल दिया। तो अब मैं चला दूंगी बिल्कुल स्लो सा, और फिर इसे हल्की आंच पे पकाऊंगी। देखें थोड़ी ही देर में ये गाढ़ा हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है जैसे गुलटियाँ सी होती हैं, ये ऐसे बस लगेगा थोड़ी देर में, जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आपको बहुत पसंद आएगा, आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने मसलसल चमचा हिलाते रहना है क्योंकि इसकी गिल्टियाँ बन जाती हैं अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं, इसलिए मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रही हूँ। ये देखें
जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा, ये जो ऊपर थोड़े थोड़ी सी गिल्टियाँ आपको नज़र आ रही थी वो बिल्कुल हल हो जाएंगी। ये आपकी चॉइस है, अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर कम करना चाहते हैं तो इससे कम भी कर सकते हैं। देखिए अब इसकी शेप बिल्कुल हलवे वाली आनी शुरू हो गई है। यहाँ पे इतनी सी जब ये हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल दूँगी, जब ये किशमिश भी इसमें फिर फूल जाएगी गरम गरम हलवे में। तो ये मैं इस पर थोड़े से बादाम जैसे कट करके लंबे रुख से डालूंगी, जिसमें इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है। देखिए ऐसे देखिए, थोड़ी सी किशमिश मैं ऐसे, ये देखिए ये वाला कश जो होता है इसमें, इसमें ये नज़र नहीं आएगी लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का इसमें आएगा। इसमें मैं थोड़ा सा और फ्राई करूँगी, मैंने आज को बिल्कुल स्लो कर दिया था, अब मैं लाइट से जैसे चावल कदम लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लाइट पे इसे थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। ये देखिए पैन से बिल्कुल हट गया है, इसका मतलब है कि ये तकरीबन फ्राई होने वाला है। देखिए इसमें मज़ीद एक मिनट और करूँगी ताकि इसमें जो मैंने बादाम और किशमिश डाली हुई है तो वो भी अच्छी तरह से फूल जाए। आप गर्म गर्म खाएंगे तो इसका मज़ा और होगा, और जब इसे आप थोड़ा सा ठंडा करके खाएंगे तो माशाल्लाह फिर तो इसके क्या ही कहने, बहुत ही मज़े का ये बनता है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का होता है। आम बच्चों को सूजी का हलवा बहुत कम पसंद होता है, लेकिन आप ये ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। देखें इसका आईलाइनर बाहर से हो गया, बिल्कुल भी बर्तन के साथ नहीं चिपक रहा। तो बस ये अब थोड़ी ही देर में मैं फिर इसे डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है गुड़ की और आटे की, तो मैं बस थोड़ी ही देर में इसे तकरीबन ये तैयार होने वाला है। ये देखिए इसका आयल, ये देखिए आयल इसका बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल बाहर आ गया है, बिल्कुल ये फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे मैं निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बड़ा ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी लुक वाला हमारा हलवा हुआ है तैयार। ये देखें अब इस पर मैं थोड़ी सी गार्निश करूँगी, ये देखें अब मैं इसमें थोड़ी सी गार्निश कर दूंगी ताकि ये मैं इसमें थोड़े से बादाम डाल के कट करके डाल दूंगी, ये खूबसूरत सी लुक आ जाएगी इसकी। और थोड़ी सी मैं इसमें ये कोकोनट भी क्रश करके डाल दूंगी तो खूबसूरत सा लुक नज़र आएगा। देखिए माशाल्लाह, तो ये देखिए हमारी तकरीबन ये हलवा हो गया तैयार और हमने इसे हल्का सा कर दिया है गार्निश। देखने में भी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो अपनी दुआओं में रखिएगा याद। ओके, अल्लाह हाफिज़।